देश के कई राज्य गर्मी से उबल रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सूर्य देव का प्रचंड अवतार देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते दो दिनों तक राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और एमपी के पश्चिम हिस्सों में 43 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पारा रहा है। वहीं उत्तराखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में पारा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गर्मी का आलम यह है कि एसी कूलर भी फेल नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 1901 के बाद इस साल यानी 2024 में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि अब की इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, जिसकी वजह से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बार ये राज्य गर्मी की तपिश में इतने ज्यादा क्यों झुलस रहे हैं। IMD ने कहा है कि तापमान में बढ़ोतरी का मुख्य कारण प्रशांत महासागर में अल नीनो की कमजोरी है। अब आप सोच रहे होंगे अल नीनो क्या होता है। दरअसल जलवायु का एक प्राकृतिक पैटर्न है जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में घटता है। इस दौरान समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रशांत महासागर की सतह पर बहने वाली हवा और पानी के पैटर्न में बदलाव हो जाता है। अल नीनो का असर किसी साल ज्यादा होता है तो किसी साल कम। इस साल हीट वेव और ज्यादा गर्मी पड़ने की एक वजह इसे भी माना जा रहा है। दूसरी वजह ये भी है कि दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के ऊपर एंटी साइक्लोन सिस्टम एक्टिव है। जमीन से करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्टिव यह सिस्टम 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक फैला है। यह एंटी साइक्लोन गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवा को वापस जमीन की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाली गर्म हवाएं भी समूचे उत्तर भारत में तापमान बढ़ा रही हैं। चलिए अब बताते हैं कि आपको इस भीषण गर्मी और गर्म हवा के थपेड़ों से कब राहत मिलेगी। तो आपको बता दें कि बारिश होने पर ही हीट वेव या गर्मी से राहत मिलेगी। मानसूनी हवा देश के जिस जिस हिस्से से मूव करती है वहाँ हीट वेव और गर्मी से राहत मिलती है। मौसम वैज्ञानिक RK जैनामणि का कहना है कि 20 जून के आसपास मानसूनी हवा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या फिर आसपास के राज्यों में पहुंचती है। कई बार मानसूनी हवा अपने समय से कुछ दिन लेट भी पहुंचती है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है।